नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज ऑफ नरेंद्र पे। और जैसे कि आपको पता है कि हमने भिन्न भिन्न तरह के स्पीड टेस्ट किए हैं और इस वीडियो के अंदर हम स्पीड टेस्ट करने वाले हैं पीसे एक्सप्रेस अडोप्टर में कि अगर आप 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का बैंड से कोई फाइल भेजते हैं मोबाइल से कंप्यूटर में तो कितना समय लगता है, अगर वही फाइल अगर आप 5 गीगाहर्ट्ज़ बैंड पे भेजते हो तो कितना समय लगता है। यानी कि आप एक ऐसा फ़ोन लेते हो जिसके अंदर 5 गीगाहर्ट्ज़ भी है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ भी है तो आपके पास दोनों विकल्प है कि मैं किसके दौरान फाइल भेजूँ। 5 गीगाहर्ट्ज़ का ये बेनिफिट है कि आपको रेंज थोड़ी कम मिलेगी लेकिन स्पीड ज़्यादा मिलेगी, और 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का रेंज आपको ज़्यादा मिलेगी लेकिन स्पीड थोड़ी कम मिलेगी। लेकिन कितना कम मिलेगी ये हम इस वीडियो के अंदर टेस्ट करने वाले हैं। तो देखिए, मैंने मेरा वाईफाई है, मैंने किसी से कनेक्ट नहीं कराया हूँ तो इसको हम कनेक्ट करा लेते हैं। तो मैं अपने मोबाइल का जो हॉटस्पॉट है वो ओपन कर लेता हूँ और हम एक फाइल भेजेंगे और वो उस फाइल के दौरान देख लेते हैं कि हमें कितनी स्पीड मिलेगी। ठीक है, तो ये हमने हॉटस्पॉट ऑन और जो ये स्पीड टेस्ट है हम पी से एक्सप्रेस अडोप्टर कार्ड से कर रहे हैं और USB 2.0 पर हमने पहले ही स्पीड टेस्ट कर ली है तो इसके रिज़ल्ट थोड़े अलग होंगे। तो चलिए, जो हमारा वाईफाई हॉटस्पॉट है वो कनेक्ट हो चुका है और मैं आपको बता देता हूँ कि ये कितना गीगाहर्ट्ज़ पे है। तो ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे है। ठीक है, तो चलिए हम फाइल भेज लेते हैं। जो हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है सैमसंग फ्लो, इसके द्वारा हम फाइल भेजेंगे और ये हमारे मोबाइल के अंदर भी है, सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर आज के समय मोबाइल से कंप्यूटर फाइल भेजने के लिए। इसको कैसे उपयोग करना है इस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है, ज़्यादा जानकारी के लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो जो हम फाइल भेज रहे हैं दोस्तों, उस फाइल की साइज है 279 MB। ठीक है, ये फाइल की साइज 279 MB है और हम स्टॉप वॉच भी ओपन कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि भाई कितना समय लगता है। ठीक है, तो चलिए अभी हम फाइल सेंड कर देते हैं। तो ये फाइल स्टार्ट हो गई जाना, इधर हमारी फाइल जा रही है और इधर हमारा टाइम चल रहा है। तो देख लेते हैं कि हमें कितना समय लगता है अगर आप एक पी से एक्सप्रेस कार्ड से 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पर फाइल भेजते तो कितना समय लगता है। तो जो ये फाइल है इसकी साइज ये लिखी हुई है 279 MB। तो दोस्तों, हमें जो समय लगा है वो लगा है 56 सेकेंड। ठीक है, 56 सेकेंड हमें वक्त लगा है एक 79 MB की फाइल भेजने में। अगर हम 5 गीगाहर्ट्ज़ को सिलेक्ट करते हैं तो कितना समय लगता है आइए चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपने फ़ोन के अंदर सेटिंग चेंज करेंगे क्योंकि फ़ोन के अंदर हमने 2.4 गीगाहर्ट्ज़ कर रखी है तो अभी उसको 5 गीगाहर्ट्ज़ कर देते हैं। तो फ़ोन के अंदर हमने सेटिंग कर ली है और इसको हम कर लेते हैं डिसकनेक्ट और फिर से इसको हम कनेक्ट करेंगे। ठीक, कनेक्ट हो चुका है और अभी अगर हम देखते हैं तो देखिए ये 5 गीगाहर्ट्ज़ पे कनेक्ट हो चुका है, देखिए नेटवर्क पैंट। ठीक है, तो चलिए अब वापस वही फाइल भेजते हैं, कितना वक्त लगता है। आप फाइल का नाम वगैरह पढ़ सकते हैं, सेम टू सेम फाइल भेजेंगे हम। ठीक है, ऐसा नहीं कि फाइल अलग वगैरह भेज दिए। तो चलिए हम इस फाइल को भेजते हैं और देखते हैं कितना समय लगता है। तो फाइल जाना शुरू हो चुकी है और साइड में टाइमर भी हमने लगा दिया है। अरे दोस्तों, कुछ ज़्यादा ही फास्ट चली गई भाई ये तो। ये देखिए, बस मात्र 12 सेकेंड है, 12 सेकेंड का इसने वक्त लिया है और ऊपर आप देख रहे हैं 55 सेकेंड वक्त लिया है। और ये स्पीड जो उन्होंने USB से की थी ना तो उसके अंदर लिया था 3 मिनट। यानी मैं इधर ऊपर देगा जब तक फाइल ही चली गई, देखिए मात्र 12 सेकंड में काम पूरा हो चुका है। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपको क्या शिक्षा मिली? तो इस वीडियो से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर आपके पास एक डेस्कटॉप कंप्यूटर है और उसके अंदर वाईफाई नहीं है और आप वाईफाई कार्ड लगाना चाहते हो तो आपको एक PCI एक्सप्रेस अडोप्टर लाना होगा। लेकिन समस्या ये है कि इसकी कीमत ज़्यादा है, आपको 1200 से लेकर 2700 तक 10,000 तक मिलेंगे।
तो कम से कम आपको 1600-1700 का ख़रीदना चाहिए। और उसमें भी एक बात ध्यान रखिए, अब जैसे 1200 का आप लोगे तो उसके अंदर 2.4 GHz भी होना चाहिए और 5 GHz भी होना चाहिए, क्योंकि जो सस्ते फ़ोन होते हैं उसके अंदर 5 GHz नहीं होता है, लेकिन जो महंगे फ़ोन होते हैं 15-16 हज़ार के, उसके अंदर 5 GHz भी होता है और 2.4 GHz भी होता है। तो ये भी इंटरनेट स्पीड बढ़ा देगा, फाइल आदान प्रदान स्पीड भी काफ़ी बढ़ा देगा। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको सीखने को मिला होगा, अगर कुछ सीखने को मिला हो तो इसको प्लीज़ लाइक करिए, और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबाइए। थैंक यू।